हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहां पे हम आपके बैंकिंग को आसान बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास आंध्रा बैंक का बैंक अकाउंट है और आप उसमें एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करना चाह रहे हैं और आपके पास अभी तक कोई भी एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड नहीं है, या फिर जो भी एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आप यूज करते थे वो एक्सपायर हो गया, ख़राब हो गया या फिर ब्लॉक हो गया और अब आप अपने लिए एक न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में बताया जाने वाला प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप आसानी से अपने लिए एक न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपके पास आंध्रा बैंक का नेट बैंकिंग होना जरूरी है। और हम जानते हैं कि हर एक पर्सन के पास नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अभी इस वीडियो में हम आपको इसका ऑफलाइन प्रोसेस बताने जा रहे हैं। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस आपको अपने आंध्रा बैंक के ब्रांच में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के एम्प्लॉयज को आप बोले कि मुझे एटीएम कार्ड अप्लाई करना है, उसका फॉर्म दे दीजिए, तो वहाँ के एम्प्लॉयज आपको एक फॉर्म दे देंगे और उस फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप करके सबमिट करना है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप उस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा। दोस्तों, यही वो फॉर्म है जिसको फिलअप करके आपको अपने ब्रांच में सबमिट करना है, तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करना सीख लेते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपका एटीएम कार्ड न्यू एटीएम कार्ड चाहिए तो न्यू में, रिन्यूअल है तो रिन्यूअल, और रिप्लेसमेंट चाहिए तो रिप्लेसमेंट में टिक लगा दें। उसके यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो अपने ब्रांच का नाम लिखना है और उसके नीचे के ऑप्शंस को आप फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वन नंबर में हमको अपना जो भी आपका बैंक अकाउंट में नेम है उस फुल नेम को कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके नीचे में आपको अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन कर देना है और उसके नीचे में आप अगर अपना एटीएम पिन किसी और एड्रेस में मंगाना चाहते हैं तो उस एड्रेस को यहाँ मेंशन कर दे, या फिर सेम एड्रेस को भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे में फोर्थ नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जिस भी टाइप का मोबाइल नंबर या फोन नंबर या ऑफिस का जो भी नंबर आपके पास है वो नंबर मेंशन कर दें, लेकिन कम से कम एक नंबर जरूर मेंशन करें, क्योंकि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो इसमें आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। उसके नीचे में आपको आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। उसके नीचे में आपके अपना मदर्स नेम का जो भी सर नेम है वो मेंशन करना है, फुल नेम मेंशन नहीं करना है बल्कि केवल सर नेम मेंशन करना है। और उसके नीचे में सेवन नंबर में आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी मेंशन करना है। और उसके नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट में जो भी नेम है वो मेंशन करना है, लेकिन यहाँ पे आप अपने एटीएम कार्ड में जिस भी तरह का अपना नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो नेम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे में आपको अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स देने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने ब्रांच का नाम लिखें और उसके राइट साइड में आपको अपना आंध्रा बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो लिख देना है। अगर आपके पास सेकेंडरी बैंक अकाउंट है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। उसके नीचे में यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और अगर आपका मैरिज हो चुका है तो आप मैरिज डेट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे में आप डिक्लेरेशन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इतना फिलअप करने के बाद नीचे में आपको अपना फुल सिग्नेचर कर देना राइट साइड में जो आपके बैंक अकाउंट में मेंशन है। अगर आपका बैंक अकाउंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट है तो आपका जो भी पार्टनर है उनका सिग्नेचर भी यहाँ पे आपको जरूर से जरूर करवा लेना है। अब नीचे के जो ऑप्शंस हैं वो पूरी तरह से आपको खाली का खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्रांच यूज के लिए होता है। तो जब इस तरह से आप इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर लेंगे तो इसको आप अपने आंध्रा बैंक के ब्रांच में जमा कर दें। इस फॉर्म को जमा करने के बाद वहाँ के एम्प्लॉयज आपके एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे और आपके लिए स्पेशल एक एटीएम कार्ड बन के आपके दिए हुए एड्रेस में सेंड कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में 15 दिन 20 दिन कभी कभी एक महीना लग जाता है, तो आप एक महीने तक वेट करें, आपका न्यू एटीएम कार्ड आपको मिल जाएगा। और उसके बाद भी ना मिले तो आप अपने ब्रांच से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दें। और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।